जी अबू जफर सादिक नाम है, मैं प्रेसिडेंट अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान हूँ जी। बीइंग रिस्पॉन्सिबल इन स्पोर्ट्स, आप पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को कैसे देखते हैं, जो स्पोर्ट्स अभी बिगनिंग पे हैं या जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहे हैं उनको? देखिए जो स्पोर्ट्स हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो आपको मालूम है कि उस सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुका है, तो जो प्रोविंसेस हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, और वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह से हमारे कहूँगा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल पे शायद वो परफॉर्मेंस या वो डेवलपमेंट है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम नहीं देख रहे। लेकिन नेशनल लेवल पे क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और नेशनल लेवल पे जो फेडरेशन हैं तो वो अपने लेवल के ऊपर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, जो वो मिल के जो नेशनल लेवल के ऊपर जो लोग डेवलप होते हैं टीम्स के अंदर नेशनल गेम्स आते हैं उनकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए उनको फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है कंपटीशंस के लिए तैयार करती हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है कैंपिंग कैंप्स भी लगाता है ट्रेनिंग के, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। लेकिन टैलेंट को ग्रास रूट लेवल पे हैंड करने के लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरत है उसके ऊपर काम करने की। इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जब जो जितने भी और हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन उनके साथ जब काम करते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स होते भी या फाइनेंशियली या उनके जो सेटअप वगैरह? देखिए सबसे बड़ा तो फाइनेंशियल चैलेंज ही है फेडरेशंस के लिए, जो ख़ासतौर पे हमारे मुल्क की हालात हैं, आप भी सब जानते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे यहाँ, तो वो एक चैलेंज तो ऑलरेडी है हमारे साथ। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो एथलीट काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, तो वो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जो है कॉरपोरेट सेक्टर को जो है वो आने की ज़रूरत है कि वो सपोर्ट दें, ताकि जो फाइनेंशियल नीड्स हैं हमारे एथलीट्स की और जो कि टेक्निकल जो उनकी नीड्स हैं जो कि यकीनन फाइनेंशियल रिसोर्स से ही मिल सकती हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी फैसिलिटीज़ जो है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जब ही कॉरपोरेट सेक्टर आएगा तो वो इंशाल्लाह उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर नतीजे जो है होंगे। जब आप स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं आपने यूथ को कैसे पाया, वो डेडिकेटेड है अपने स्ट्रगल कर रहे हैं? जी देखें यूथ तो हमारी बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, हम देखते हैं जैसे अभी शहरोज़ काशिफ की बात करें, उसने जो है 11 चोटियाँ सर कर ली हैं, ही इज़ गोइंग टू बी द यंगेस्ट क्लाइंबर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि जिसने 14 पीक्स 8000 मीटर से कम ऊपर की होंगी, तो इस तरह का पोटेंशियल है जो ख़वातीन में भी है, जैसे हमारे जो है क्या कहते हैं नायला क्यानी हैं, उन्होंने अभी चोटी सर की है अनपूर्णा, तो 4 चोटियां उन्होंने सर कर ली हैं। इसी तरह हमारे और एथलीट्स भी हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो कि अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, अच्छी अचीवमेंट्स हैं उनकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उसके अंदर अगर थोड़ी सी एफ़र्ट्स की जाएँ तो उसके अंदर मज़ीद जो है हमारे जो ये जो नौजवान हैं वो अपने आप को डेवलप करके इंटरनेशनल लेवल के लिए पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का स्पोर्ट्समैन और कोचेस के साथ कैसा रिलेशन होता है? देखें यहाँ पे जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और बड़ा अच्छा इनकी जो है स्कीम्स हैं प्रोग्राम्स हैं, जैसे जो हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जैसे ओलंपिक्स है या एशियन गेम्स हैं साउथ एशियन कॉमनवेल्थ, उनके लिए इनकी पॉलिसी है, उनको कैश अवार्ड्स देते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं, जो इंटरनेशनल मेगा भी इवेंट्स आते हैं, तो इनका बड़ा अच्छा रोल है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, जो कि वो फेडरेशन को सपोर्ट करना और जो इंटरनेशनल एथलीट्स को सपोर्ट करना है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनकी कैपेसिटी को मज़ीद जो है टेक्निकल जो है कैपेसिटी को इन्हांस किया जाए, ताकि जो प्रोफेशनलिज्म है और जो स्पेशलाइजेशन है हमारे वक्त के साथ साथ जो स्पोर्ट्स की दुनिया में डेवलप हो चुकी है उस बेसिस के ऊपर जो है हमारे एथलीट को डेवलप किया जा सके, ताकि वो और ज़्यादा जो है अच्छी अचीवमेंट्स कर सकें। पाकिस्तान के जो जितने भी यूथ हैं उनके कोई पैगाम कोई मैसेज? देखिए हमारे यूथ जो है आपको जैसे मालूम ही है कि हमारा जो आजकल माहौल है ख़ासतौर पे एक्सट्रीमिज़म का है, इनटॉलरेंस है और लोग यूथ जो है वो आईटी गैजेट्स के अंदर है, तो इन सबको ज़रूरत है कि उनको मैदान में लाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम जो है उनके इंट्रोड्यूस किए जाएँ, ताकि यूथ जो है वो अपने घरों से निकल के मैदानों में आए और एक हेल्दी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि वो एक हेल्दी जो है कि बॉडी के साथ एक हेल्दी माइंड भी हो और वो एक पॉजिटिव शहरी बन सके।